খাও একটা খাও হ্যাঁ বাস বাস অনেক অনেক भारतवर्ष से मोदी विकल्प प्रधानमंत्री भारतवर्ष से क्यों नहीं है भारतवर्ष के सन्त्रास मुक्त भारत उन्नयन भारत एवं जनसाधारण गरीब मानुषे भारत मानुष के एक गरीब एवं धनी व्यक्ति जो डिफरेंस मोदी से चेष्टा कर सामंजस्य रखा सकल के जे तफाता के কাছে নিয়ে আসা এবং ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত চিন্তা করে ভারতবর্ষের যে মোদী পদক্ষেপ যে যেমন আয়ুষ্মান ভারত স্বচ্ছ ভারত আপনার কি বলে হোমলেসদের হোম ফরহীন যাদের ঘর নেই গরিবের ঘরের জন্য এবং রাস্তাঘাট পানীয় জলের দেশের উন্নয়ন সন্ত্রাস মুক্ত ভারত এবং ভারতবর্ষের যে শক্তিশালী পদক্ষেপ পাকিস্তানের সঙ্গে যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে তার যে একটা বড় পদক্ষেপ মোদী সরকার যে প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো প্রধানমন্ত্রী এরকম পদক্ষেপ উঠাতে পারেনি এবং সেই দেখে মানুষের একটা বিরাট মনে যায় এরকম শক্তিশালী ভারতের দরকার এক শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী দরকার বাংলা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা 2021-এ বাংলা চেঞ্জ হবে নিশ্চয়ই এরপরে আমার মনে হয় 2020-তেই চেঞ্জ হয়ে যাবে ভারতবর্ষে যে রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আমার মনে হয় তৃণমূল সরকার এই পার্টিটাই আর থাকবে কিনা নিশ্চিত বহু লোক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে জয়েন করবে এবং আগামী লোকসভার আগামী বিধানসভার আগে হয়তো সরকার বাবুল সুপ্রিয় কা কাম আর মোদিজি কি जो इस देश के प्रति आस्था है उसको देखते हुए लोगों ने ये बात वोट के माध्यम से दी है और बाबुल सुप्रियो करीब करीब 2 लाख वोटों से जीतेंगे अभी 1,62,63,000 वोट से आगे हैं और बाबुल सुप्रियो के जीतने के पीछे में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ बहुत सा कार्य ऐसा भी है जिसको विपक्षी पार्टी ने नहीं करने दिया और अभी तक करीब 2 साल पहले तक एक हवा बनाई गई थी कि बाबुल सुप्रियो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं आसनसोल में नहीं रहते हैं लेकिन बाबुल सुप्रियो ने अपना इस प्रकार जनता के पास पहुंच करके अपने कार्य को एक सिंगर के तौर पर नहीं एक राजनेता के तौर पर निभाया है और बाबुल सुप्रियो आज घर की महिलाएँ बाबुल सुप्रियो आता है वो अपना खाना छोड़ करके बाबुल सुप्रियो और मोदी जी को के तरफ ध्यान देती है बच्चा बच्चा मोदी जी कर रहा है उसका एकमात्र यही कारण है आज राष्ट्रीय भावना की जीत हुई है राष्ट्र के प्रति उनका जो आह्वान रहा है उसकी जीत हुई है और बाबुल सुप्रियो आशा है कि इस आने वाले पाँच वर्ष में आसनसोल क्षेत्र का जो विकास करेंगे वो एक बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय कार्य होगा बाबुल सुप्रियो से आने वाले के दिन में उम्मीद यह है कि आज हमारे क्षेत्र में उद्योग बहुत से बंद पड़े हुए हैं हम लोग आशा करेंगे कि वे उस उद्योग सब को चालू करने में यहाँ की जनता का सहयोग करें और कुछ अगल बगल के स्टेशनों में ट्रेन रोकने की चेष्टा भी हम लोग ने की है बाबुल सुप्रियो के द्वारा और आगे भी जैसे सीतारामपुर जैसे स्टेशन में कुछ ट्रेन रुकवाने का हम लोग उम्मीद रखेंगे आज पानी का किल्लत पूरे कुल्टी क्षेत्र में है और बहुत सा पैसा जो दिल्ली से सेंट्रल से आया हुआ है लेकिन हमारी विपक्ष पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती है और काम को इस तरह से डिले करके चल रही है कि आने वाला पंचायत चुनाव या विधानसभा क्षेत्र में उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ये सारा काम राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है आप लोग किस तरह से उम्मीद रखे हो आने वाले विधानसभा में सरकार का चेंज है देखिए जो आज अवस्था है अगर बिना कारचुपी का वोट होता है तो 60% सीटों पर बीजेपी जीतेगी आज हम लोग इतने सीआरपीएफ देते हुए भी आज सेंट्रल फोर्स की निगरानी में वोट होते हुए भी बहुत सी बूथों को लूटा गया
जिसके कारण आज हम लोग का जो 23 सीट का टारगेट अमित शाह जी द्वारा दिया गया था वो हम टारगेट पर नहीं पहुंच पाए हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि